तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस की। कल मैंने कम्युनिटी टैब पे पोल करी थी जहां पे हमने बात करी आपसे, टॉपिक्स मैंने डिस्कस की और कुछ पूछा कि किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, और आपने बोला कि रोमन रेंस की बुकिंग आफ्टर रेसलमेनिया 40 अगर वो अपना टाइटल हार जाए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में आज। लेकिन उससे पहले असली अखाड़ा हूँ स्पॉटिफाई एक और नया एपिसोड, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंटेंट बहुत सारा आएगा आपकी तरफ, तो स्टे ट्यून्ड रहें। असली अखाड़ा हूँ स्पॉटिफाई न्यू एपिसोड इज आउट नाउ सुपरस्टार स्पॉटलाइट गुंथर के ऊपर। काफ़ी डिटेल में हमने बात करी है वहाँ पे कि क्या हो सकता है उनका WWE फ्यूचर, रेसलमेनिया क्या वो जीतने वाले हैं हारने वाले हैं, सारी चीज़ें बात करी हैं उसके बारे में। डेफिनेटली गो चेक इट आउट, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने हमारा रेसलमेनिया का पॉडकास्ट नहीं सुना तो वो भी डेफिनेटली इज अ मस्ट लिसन। अब हम तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस रोमन की वीडियो को। पहली कि अगर रोमन रेंज यहाँ पे हार जाते हैं रेसलमेनिया में तो क्या होगा, दूसरा अगर वो जीत जाते हैं तो क्या होगा, और तीसरा जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है कि अगर रोमन रेंज हार के WWE से कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं तो उनकी बुकिंग में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो रोमन की बुकिंग के बारे में बात करेंगे। कोडी ने तो बोल दिया कि भाई रॉक जो है वो सिर्फ एक साइड चिक कैरेक्टर लगेंगे और रोमन रेंज जो है वो ट्राइबल चीफ द बॉस हैं, लेकिन क्या ऐसा इस स्टोरी लाइन में क्लियरली लग रहा है? बिकॉज अगर बेटिंग ऑड्स की हम बात करें तो क्लियरली यहाँ पे कोडी रोड्स इज द फेवरेट टू विन एट रेसलमेनिया 40। लेकिन एक पॉइंट मैं नोट आउट करना चाहता हूँ कि सेम ऑड्स थे लास्ट ईयर, कोडी रोड्स लास्ट ईयर यानी कि रेसलमेनिया 39 में भी फेवरेट थे टू डिफीट रोमन रेंस, पर हुआ क्या? कोडी रोड्स वन, नो कोडी रोड्स लॉस्ट एंड कोडी रोड्स डिड नॉट फिनिश हिज स्टोरी। लेकिन हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या होगा अगर रोमन रेंस हार जाते हैं, बिकॉज भाई वो चीज फेवरेट है, तो क्या WWE बुकिंग कर सकती है रोमन रेंस की? सबसे ऑब्वियस चीज जो सबसे ज्यादा रूमर भी करी जा रही है वो ये कि अगर रॉक टर्न करते हैं रोमन रेंस पे, जो कि लीड करेगा कोडी को टू फिनिश स्टोरी, उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन की फ्यूड वहां से ऑफिशियली स्टार्ट होगी और रोमन रेंस एक हील बने रहेंगे अपने आगे के टाइम में, और वो फाइट करेंगे उस इकलौती चीज के लिए जो उनके पास बच जाएगी उस टाइम पे, एंड दैट इज द क्राउन ऑफ द ट्राइबल चीफ। और बची कुची ब्लड लाइन अगर कुछ वैसा होता है कि उनके पास तब भी सोलो जिमी है या फिर जे वापस आ जाते हैं और एक तरफ रॉक हो जाते हैं जो पूरी ट्राइबल चीफ की स्टोरी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन रोमन रेंस अपने क्राउन को तब भी बचाना चाहते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर रॉक के साथ फ्यूड नहीं होती है और रोमन रेंस एक सिंगल्स कैरेक्टर रहते हैं तो क्या उनको एक बेबी फेस बना देगी WWE दोबारा? क्या वो एक ऐसी चीज़ करेगी जो इतने सालों तक फेल हुई थी WWE में? क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जब 4 साल तक एक हील रोमन देखने की आदत है, आई डोंट थिंक एक पॉइंट के बाद उस फेस रोमन को कोई पसंद करेगा। आई डोंट थिंक रोमन रेंस खुद एक बेबी फेस अब प्ले करना चाहेंगे, और इस पॉइंट पे जब उन्होंने एक गोट स्टेटस अचीव कर लिया है WWE में, वो रिस्क लेंगे दोबारा उस पुराने रोमन पे वापस जाने का जो WWE में इतने साल तक लगातार फेल होता रहा था। आई डोंट थिंक WWE या रोमन रेंस खुद वो करना चाहेंगे, लेकिन रॉक ने जबकि एक्नॉलेज कर लिया रोमन को एज अ ट्राइबल चीफ, तो वो इकलौती चीज रह जाएगी रोमन के लिए जो वो डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट द रॉक। पर ऑब्वियसली ये सारी बातें हम बोल रहे हैं तब होंगी अगर रोमन रेंस एक्चुअली में हार जाते हैं रेसलमेनिया। तो भाई इतनी मैं बात जरूर बोलूंगा कि अभी तक जो स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है, कोडी ऐसा लगता तो है अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे, ही इज द फेवरेट, लेकिन क्या पता क्या होने वाला है रेसलमेनिया में। तो दूसरा जो ऑप्शन है, जो कि दूसरा ऑब्वियसली रिजल्ट हो सकता है इस रेसलमेनिया नाइट 2 के मैच का, वो ये है कि रोमन रेंस डिफीट्स कोडी रोड्स एक बार फिर से एंड रोमन रेंस रिटेन्स द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट कोडी रोड्स। भाई देखो, पहली बात तो ये बहुत अनबिलीवेबल होगा, लोग पागल हो जाएंगे, गुस्से में भी होंगे और कुछ एक छोटा सा पोर्शन होगा जो खुश भी होगा, लेकिन क्या ये मतलब होगा कि कोडी रोड्स का खत्म हो चुका है टाइम इस टाइम पे? क्योंकि फिर क्या बचा, क्या ही होगा उसके बाद? कोडी रोड्स जो है वो खुद थोड़ा सा डाउट कास्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे कि क्या वो स्टोरी खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मान लूँ इस बात को कि सच में कोडी रोड्स स्टोरी खत्म कर ही नहीं पाते हैं, फिर क्या? कोडी रोड्स की तो इज्जत पानी में जाएगी, लेकिन रोमन रेंस का स्टेटस कहाँ से कहाँ चला जाएगा उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, बिकॉज हमको पता है कि क्या वो रीज़न रह सकता है। अगर ऐसा होता है और रोमन रेंस हरा देते हैं कोडी रोड्स को, तो मेरे हिसाब से जो बुकिंग रहेगी वो इकलौती ये रहेगी जिसके रूमर्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं कि इस साल की समर स्लैम जो क्लीवलैंड में होने वाली, एक बड़ा स्टेडियम शो होगा, वहाँ रोमन रेंस बुक करे जाएंगे और वहाँ पे जो है एक बार फिर से थर्ड टाइम मैच होगा रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। आई डोंट थिंक कोई ये देखना चाहता है, आई डोंट थिंक कोडी को कोई उस पॉइंट पे सीरियसली लेगा, एंड आई डोंट थिंक कोडी स्टैंड्स अ चांस, और उनको चांस मिलना भी चाहिए
अगर सेकंड टाइम वो हार जाते हैं रोमन से एट रेसलमेनिया। लेकिन क्योंकि हम रोमन की बुकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है, और अगर समर स्लैम में रोमन रेंस जाके कोडी से दोबारा लड़ते हैं तो ये बेसिकली WWE एक्सटेंड करेगी रोमन रेंस का रन और ये फ्यूड को डिले करेगी जो उनकी रॉक के साथ हो सकती है। बिकॉज ये रॉक वर्सेस रोमन वाला मैच अगर समर स्लैम में WWE नहीं करती है तो इवेंचुअली अगले साल की रेसलमेनिया में हो सकता है, यानी कि रेसलमेनिया 41 में, जहां पे रोमन रेंस और रॉक फेस टू फेस जाएंगे सेम रिंग वन ऑन वन विदाउट द टाइटल। लेकिन ऑब्वियसली उस पॉइंट पे यहां पे रॉक वर्सेस रोमन की स्टेक्स इसलिए हाई होंगी बिकॉज रॉक और रोमन की ये लंबी स्टोरी चल सकती है ऑल द वे स्टार्टिंग एट समर स्लैम टू रेसलमेनिया। तो ये एक ऑप्शन WWE के पास हो सकता है अगर वो उस मैच को इस छोटे पीरियड में नहीं बल्कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड सेट कर सकते हैं। अब होने को तो ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस हार जाएं, तब भी अगला मैच रॉक और रोमन का रेसलमेनिया में ही हो, लेकिन उसके बीच में एक ऐसी चीज़ आएगी जो कि करनी ज़रूरी है बिकॉज इतनी बड़ी स्टोरी कोई नहीं बनाने वाला WWE में। रॉक की कोई ना कोई मूवी की फिल्मिंग है माना जा रहा है इस साल मई से लेकर अगस्त तक, तो समर स्लैम में रॉक वर्सेस रोमन होना वैसे ही मुश्किल है। और रोमन रेंस आई थिंक अगर अपना टाइटल हारते हैं और रॉक के साथ उनका इवेंचुअली इतनी जल्दी मैच नहीं हो रहा है तो रोमन रेंस विल लीव WWE फॉर सम टाइम, और वो सम टाइम नहीं लॉन्ग टाइम होगा, डेफिनेटली सीधा समर स्लैम में आई थिंक उनका अगला बड़ा मैच होगा जब रोमन रेंस वापस आएंगे। तो क्वेश्चन मार्क ये होगा कि 2020 में जब रोमन रेंस वापस आए थे तब वो एज अ हील वापस आए थे, सरप्राइज रिटर्न था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये कैरेक्टर चेंज रोमन का WWE करने वाली है इस पॉइंट पे। लेकिन गाइज अगर ये इतने साल बाद दोबारा रोमन का रिटर्न होता है एट समर स्लैम, क्या इस बार दोबारा रोमन आएंगे वापस बट एज अ बेबी फेस और एक बार फिर से वो नया अपडेट उनको मिलेगा समर स्लैम में? या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब रोमन कुछ टाइम के लिए चले जाएंगे तो क्या ब्लड लाइन की भी स्टोरी कंटिन्यू होगी या फिर नहीं? क्या एक नया ट्राइबल चीफ क्राउन करा जाएगा? क्या होगा पॉल हेमन का, सोलो सिकोआ का एंड द उसोस का? बिकॉज हम जानते हैं कि वो तो कहीं नहीं जाने वाले। सोलो सिकोआ का जो पुश है वो अभी तक आया नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो WWE के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट इस पूरी चीज़ को डिस्कस करने के बाद जो मैं कंक्लूजन निकालूंगा, जो फाइनल स्टेटमेंट दूंगा इस वीडियो में, वो ये होने वाली है कि जो मेरी प्रिडिक्शन रहेगी एट द एंड वो होगी कि रोमन रेंस अपना टाइटल हारेंगे एट रेसलमेनिया, बट कोई रीजन नहीं है इस बात के पीछे कि WWE उनको दोबारा बेबी फेस बनाए। द स्टोरी हैज टू फिनिश एट रेसलमेनिया। मैं लास्ट ईयर शॉक था, इस साल और भी ज़्यादा शॉक रहूंगा अगर कोडी एक्चुअली में अपनी स्टोरी खत्म नहीं कर पाते, बिकॉज रोमन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोडी रोड्स पर भरोसा नहीं है, उसके बाद किसी को भी इतना हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन ये रॉक वर्सेस रोमन का मैच WWE करके तो जरूर रहेगी। आई होप कि सारी जगह छोड़ के कहीं सऊदी अरेबिया में इस मैच को ना कर दें, बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा लेट डाउन होगा मेरे लिए डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा ये मैच है। इसको एक रेसलमेनिया चाहिए इस साल नहीं तो अगले साल ही सही, लेकिन ये ब्लड लाइन की स्टोरी जो इतनी लॉन्ग टर्म में चलेगी उसको देख के मज़ा बहुत आएगा। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, तीनों पार्ट्स में से कौन से पार्ट के साथ आप सबसे ज़्यादा एग्री करते हैं, रोमन का हारना, जीतना या फिर हारने के बाद WWE से कुछ टाइम ऑफ लेना और फिर वापस आना एज अ न्यू कैरेक्टर? आप लोग किसके साथ हैं लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और ऐसे टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं स्टे ट्यून्ड। आज एक और वीडियो आएगी थोड़े टाइम में ही, शाम को या फिर आज आएगी 100% ऑन ब्रॉक लेसनर, जो कि सेकंड मोस्ट वोटेड टॉपिक था उस पोल में जो मैंने कल करी, वो वीडियो मैं बनाना ही चाहता था, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगी, एक डबल आपको सरप्राइज मिल जाएगा, दो वीडियोस का दिन है ऑन रेसल इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।